एक ऑपरेशन मैनेजर की एवरेज इनकम क्या होती है, एक मैनेजर की ड्यूटीज, टास्क, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, किस तरह से परफॉर्म करनी होती है, क्यों एक मैनेजर एक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट असेट बन जाता है। हे गाइस, वेलकम बैक विद परम पैशन। सो आज के सेशन में हम लोग कुछ इस तरह की बातें करने वाले हैं कि एक मैनेजर की रियल में ड्यूटीज क्या होती है, रियल में वो अपने टास्क को कैसे परफॉर्म करता है, किस तरह से टीम को मैनेज करता है, क्यों वो एक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट असेट बन जाता है, उसकी सैलरी पैकेज क्या होती है स्टार्टिंग से लेकर के प्रमोशन होने तक। सो अभी तक हमने बुक में पढ़ा कि जो मैनेजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, डायरेक्शन, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट, स्टाफिंग, ये पांच इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। ये सही है कि ये पांचों इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं मैनेजर की और उनको वो परफॉर्म करना होता है। अगर हम बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो एक थ्योरी कहती है कि प्लानिंग करना होता है, स्टाफिंग करना होता है, मैनेजमेंट करना होता है एम्प्लॉयज का, स्टाफिंग का, वेस्टेज कम हो अपना जो रॉ मटेरियल वो वगैरह, ठीक है, और डायरेक्शन देना एम्प्लॉयज को, ये बला बला। बट क्या हमने कभी पढ़ा है कि ये प्रैक्टिकली कैसे होता है, एक कंपनी में ये चीज़ें कैसे परफॉर्म होती है। देखिए, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, बिकॉज एक एज ए फ्रेशर आपको ये जानना जरूरी है कि आपका मैनेजर किस तरह से काम करता है टीम में, किस तरह से परफॉर्म करता है और किस तरह से एम्प्लॉयज़ उसके अंडर में काम करते हैं, प्रेशर है, अंडर प्रेशर है, कंपनी कितना लॉयल है एम्प्लॉयज़ के लिए, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सैलरी कितने समय आती है, तो ये सारी चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं एक MNC से, अगर आप किसी MNC में काम कर रहे हैं, ठीक है, MNC में आपका KPO है या BPO है, तो उसमें जो मैनेजर होता है एक यूनिट मैनेजर और एक उससे बड़ा होता है मैनेजर, यूनिट मैनेजर के अंडर में तकरीबन 30 से 35 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो 30 से 35 एम्प्लॉयज़ को हैंडल कर रहा होता है, बाकी डिपेंड करता है अपने प्रोसेस पर कि उसमें कितनी रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट कितने एम्प्लॉयज़ चाहता है और कितने एम्प्लॉयज़ उस प्रोसेस को संभाल सकते हैं, ये है, ठीक है। तो एवरेज लेके चलते हैं 30 एम्प्लॉयज़ का, 30 एम्प्लॉयज़ को संभाल रहा होता है, उनमें एक TL भी होता है, स्पेशलिस्ट भी होता है और प्रोसेस एक्सपर्ट भी होता है और कुछ सीनियर और जूनियर भी होते हैं, तो टोटल मिला के ये 30 एम्प्लॉयज़ एक मैनेजर के अंडर में काम कर रहे होते हैं। अब एक मैनेजर की ड्यूटी बनती है कि सारे एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दिलाए, उनकी लीव्स का, उनके ऑफ्स का, उनकी सैलरी का, उनकी हेल्थ का, तो हर चीज़ को तरीके से लेके चलना एक मैनेजर की ड्यूटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मैनेजर किस तरह से हैंडल करता है। देखिए, प्लानिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट एंड स्टाफिंग, ये पांचों उसकी ड्यूटीज होती है, पांचों को वेल तरीके से परफॉर्म करना होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूँगा। देखिए, सपोज करो किसी क्लाइंट ने कहा कि मैं ये काम 30 एम्प्लॉय से करवाना चाहता हूँ, ठीक है, और 30 एम्प्लॉयज़ की मैं सैलरी पे करूंगा। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, उस मैनेजर की मेन ड्यूटी बन जाती है कि उसको 30 की जगह 35 एम्प्लॉयज़ लेके चलने होंगे अपनी टीम को चलाने के लिए, बिकॉज 5 एम्प्लॉयज़ का बफर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि 5 जो एक्स्ट्रा रखे हैं, जो 30 ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनमें से 2-4 कभी भी रिज़ाइन दे सकते हैं या एब्सकॉन्ड हो सकते हैं या कंपनी छोड़ सकते हैं। अगर 30 काम कर रहे हैं किसी प्रोसेस को, अगर 2-3 चले भी गए तो जो 2-3 बचेंगे वो बफर में से काम आ जाएंगे, अगर बफर नहीं रखा उसने तो उसके पास एम्प्लॉय की नीड पड़ेगी और प्रोसेस को अच्छे से नहीं चला सकते, ठीक है। तो उसके लिए ड्यूटी बन जाती है कि 5 एम्प्लॉयज़ का बफर लेके चले। अब सपोज़ करो कि 30 एम्प्लॉयज़ की क्लाइंट सैलरी पे कर रहा है, तो उन 5 एम्प्लॉयज़ की सैलरी कहाँ से आएगी, इसको वो कैसे मैनेज करेगा। अगर मैनेजर माइंडेड है, स्मार्ट है, तो वो क्या करेगा, उन 5 एम्प्लॉयज़ को जो एक्स्ट्रा लिए हैं उनको क्रॉस ट्रेंड में शो करा देगा, मतलब कि बोल देगा कि ये मल्टीपल प्रोसेस में काम करते हैं, कि आधा हमारे यहाँ काम करते हैं कभी नीड पड़ती है अर्जेंट तो, और आधा बाकी दूसरे प्रोसेस में काम कर रहे होते हैं, तो क्रॉस ट्रेंड में दिखा देता है, और क्रॉस ट्रेंड में दिखाने पर उनकी सैलरी क्रेडिट हो जाती है क्लाइंट की ओर से। तो क्रॉस ट्रेनिंग कभी देखा होगा आपने, आपकी भी क्रॉस ट्रेनिंग हुई हुई, एक प्रोसेस से आपको दूसरे प्रोसेस में काम करना है कि 80% वहाँ काम कर रहे हो, 20% यहाँ काम कर रहे हैं, तो इस तरह से टीम को मैनेज करना होता है एक मैनेजर को, ठीक है। बहुत बड़ा टास्क है एक मैनेजर के लिए कि प्लानिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन लेकर चलना, और टीम में किसको क्या दिक्कत है, किसको कब ऑफ लेना है, सैलरी किसी की कट रही है या सैलरी डिडक्ट नहीं हो रही है, टाइम पर आ रही है, तो ये सारी चीज़ें देखना एक मैनेजर का मेन टास्क बन जाता है। मतलब कह सकते हैं कंप्लीटली एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। अब इसमें उसको एक टास्क और दिया जाता है कि 35 एम्प्लॉयज़ को मैनेज कैसे करें। कंपनी की ओर से 3 सेगमेंट और मिलते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। अब ये पॉइंट क्या होते हैं, देखिए क्या होता है कि जिस मैनेजर को ट्रस्ट होता है उस एम्प्लॉय पर कि यार ये मेरे साथ लॉन्ग टर्म काम करेगा, ये जल्दी नहीं छोड़ेगा कंपनी को, ये अपना फ्यूचर यहाँ देख रहा है, 3-4 साल मेरे साथ काम करेगा इस कंपनी में, प्रोसेस चेंज कर देगा लेकिन कंपनी नहीं छोड़ेगा, तो उस एम्प्लॉय को वो मैनेजर
ग्रीन सिग्नल में रख देता है कि यार ये बंदा श्योर है, कंपनी तो नहीं छोड़ेगा। दूसरा होता है येलो। येलो में किनको डालता है? जो एम्प्लॉयज डाइसी होते हैं, मतलब 80% यकीन है कि वो रुकेंगे, 20% कभी भी जा सकते हैं यार। तो मैनेजर को सेफ खेलना है कि यार मैं इनको येलो में डाल दे रहा हूँ, अपना पॉइंट क्लियर रहेगा कि यार ये पॉइंट दे दिया मैंने इनको, रह भी सकते हैं और नहीं भी, ये श्योर नहीं है इनका। मतलब ये बंदे वो होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, कभी काम ज़्यादा अच्छा करते हैं, कभी काम बिल्कुल नहीं करते हैं, जल्दी से हाइपर हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या फिर टेंस में आ जाते हैं कि यार प्रोसेस छोड़ दें, कंपनी छोड़ दें, क्या करें। ऐसे एम्प्लॉयज़ येलो में कैटेगरी में काउंट होते हैं। अब आ गया रेड। ये सेगमेंट तो क्लियर है कि यार मैनेजर को पता है कि ये बंदे तो छोड़कर जाएंगे ही। ये उस टाइप के बंदे होते हैं जो प्रोसेस पर ध्यान नहीं देते, जो टाइम पर ऑफिस नहीं आते हैं, लेट लतीफ़ी आते हैं, काम टाइम पर करते नहीं है, ट्रेनिंग्स टाइम पर करते नहीं है और मीटिंग्स टाइम पर अटेंड नहीं करते हैं और प्रोसेस पर तो इनका बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। तो मैनेजर क्या होता है, आँख बंद करके बिना सोचे समझे उन एम्प्लॉयज़ को रेड कैटेगरी में डाल देता है ताकि वो सेफ रहे। अगर ये तीनों सेगमेंट उस मैनेजर ने मेंटेन नहीं किए तो क्या होता है कि अचानक से अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ता है तो क्वेश्चन होता है मैनेजर पर एचआर के द्वारा कि आपका ये एम्प्लॉय अचानक से छोड़कर क्यों गया, इसका रीज़न हमें दीजिए। तो बेटर सेफ खेलने के लिए ये तीन सेगमेंट उसके लिए बनाए गए हैं। अब ये मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई तुम जज करो कौन सा एम्प्लॉय तुम्हारे साथ अच्छे से काम करेगा और कौन सा अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है कि सपोज़ करो मैनेजर ने डाला है ग्रीन में और वो एम्प्लॉय अचानक से छोड़कर चला गया, तो क्या होगा कि उसके लिए एचआर का क्वेश्चन रेज होगा, भाई तुम्हें विश्वास था फिर ये बंदा छोड़कर क्यों गया, क्यों उसने कंपनी छोड़ी, आप बता। अगर आपको नहीं पता है तो इसमें आपके होने वाले प्रमोशन के चांसेस रुक जाएंगे, आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट रुक जाएगा, बिकॉज आपको तो पता ही नहीं है कि आपके साथ कौन सा एम्प्लॉय स्टे करने वाला है, कौन सा एम्प्लॉय स्टे नहीं करने वाला। क्योंकि क्या होता है ना, एचआर रिक्रूटमेंट करता है, उसको रिक्रूटमेंट करेगा, उसको ट्रेनिंग देगा, उसको ऊपर जो पैसे भी खर्च करते हैं और वो अचानक से छोड़कर चला जाए, क्योंकि वो एचआर होता है एम्प्लॉय को हायर करता है, हायर करने के बाद एक मैनेजर को थमा देता है कि भाई ये भाई तुम्हारा एम्प्लॉई है, तुम इसको संभालो, अगर ये छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा हम आपसे जवाब लेंगे। ये होता है प्रोसेस। तो इसलिए मैनेजर की ड्यूटी बन जाती है कि वो एम्प्लॉय को फुली तरीके से सेटिस्फाई करे। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो उसका 1-on-1 करे, फेस टू फेस 1-on-1 ले, कुछ प्रॉब्लम्स हैं रेटिंग्स में, काम में या कुछ में, तो वो उसका वापस से ट्रेनिंग का अरेंजमेंट कराए। ठीक है, तो ये रियल ड्यूटीज होती हैं एक मैनेजर की किसी भी कंपनी में। इसलिए एक मैनेजर उस कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट असेट कहलाता है। अब दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूँगा कितने लोगों को ये ड्यूटी समझ आई और कितने मैनेजर जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो यही टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप रियल में ये चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं और आपको ये चीज़ समझ आई तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हर बार की तरह एक बात बोलूँगा कि यार वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्यूज़ बढ़ाइएगा, कि आप जितने व्यूज़ बढ़ाएंगे मैं आपको इस तरह की वीडियोज़ देता रहूँगा और इस तरह के कॉन्टेंट आपको यहाँ प्रोवाइड कराता रहूँगा।